स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए अनिल शर्मा पर तीखा हमला बोला है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा को सलमान खान के परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने का घमंड हो गया है और इसी घमंड में उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा सोचते हैं कि सलमान खान यहां आकर उन्हें वोट दिलाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि शायद सलमान खान के कहने पर ही उन्होंने भाजपा भी ज्वाइन की है। कौल सिंह ठाकुर के अनुसार अनिल शर्मा दिल से भाजपा में नहीं जाना चाहते थे और ये बात उन्हें अनिल शर्मा के एक करीबी ने फोन पर बताई है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पंडित सुखराम और उनके परिवार की हालत रोने की हो गई थी, जिसके बाद ही वह भाजपा में गए। लेकिन मैं सोचता हूँ वो भी बीजेपी में जाने के लिए दिल से तैयार नहीं थे। किसी आदमी ने मुझे कहा, जो उनका बहुत क्लोज है, कहते जी मेरी टेलीफोन पे बात हुए तो पंडित सुखराम के अब क्या हालात बने, कितने रोने की स्थिति में थे। और अनिल शर्मा जी को शायद सलमान खान पर घमंड है कि सलमान जी आएंगे वोट दिलाएंगे, सलमान ने उनको जो है बीजेपी जाने के लिए कहा हो। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कभी सदर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का विरोध नहीं किया, यदि वह विरोध करते तो सदर में कोई भी विकास कार्य नहीं होने देते, लेकिन अनिल शर्मा ने अपनी मर्जी करके यहां के विकास कार्यों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी शहर के प्राचीन चौहटा बाजार की स्थिति आज सभी के समक्ष है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी तो चौहटा बाजार को उखाड़ कर पुराना स्वरूप दिलाया जाएगा। मैं भी मंडी शहर का निवासी हूँ, मंडी शहर में मैं पहले से बीए तक पढ़ा हूँ। जो चौटे का बेड़ा गर्क आप सभी लोग महसूस करते होंगे, इतना अच्छा चौटा था, इतनी अच्छी शान थी, इसकी खूबसूरती थी। शिवरात्रि में सभी देवते चौटे में बैठते थे, क्या बना दिया चौटे का? हम सोचते थे कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस ने को बनाया, वीरभद्र सिंह ने इनकार किया, मैंने इनकार किया, ये सारी इसकी प्लानिंग थी सारी। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। कमिटमेंट कर दीजिए ना, है जी, सरकार आएगी तो उसको फिर वैसे ओरिजिनल पोजीशन में लाया जाएगा। क्यों जी? हाँ, बता दें कि ये सारा कार्य कांग्रेस सरकार ने पर्यटन विभाग के माध्यम से करवाया है और इसका नींव पत्थर खुद सीएम वीरभद्र सिंह ने ही रखा था। अब अनिल शर्मा के भाजपा में जाने से इन कार्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।